हल्द्वानी की बात करेंगे जहां पर एमबीपीजी कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षाओं में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर कुछ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों ने प्रचार कक्ष के बाहर जमकर नारेबाजी की, साथ ही प्रचार से मिलकर स्नातकोत्तर कक्षाओं में सीटें बढ़ाने के लिए भी कहा है। इस दौरान कुछ छात्र प्रचार कक्ष की छत पर चढ़ गए। कॉलेज में नशेड़ी छात्रों के पहुंचने से और भी बवाल मच गया। ये छात्र पुलिस और मीडिया कर्मियों से भी गाली गलौज करने पर उतारू हो गए, मारपीट भी करते हुए नजर आए हैं। इस पूरे मसले को लेकर प्रचार डॉक्टर NS बनकोटी ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांग को उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा। प्रचार ने छात्रों से कहा कि सीटों में बढ़ोतरी करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन वे उन्हें ज्ञापन दे सकते हैं जिससे कि कुलपति के पास में भेजा जाएगा। इधर जानकारी मिली कि उक्त छात्र सीट बढ़ोतरी की मांग को लेकर नैनीताल में कुलपति के पास भी पहुंचे थे। वहां भी प्रार्थना पत्र लिखने के बाद कहा गया था कि ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, जल्द ही इस पर कुछ फैसला किया जाएगा। तो हल्द्वानी से कई पूरा मामला है जहां पर सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने आज कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया है। हालांकि वहां पर कुछ छात्र नशे की हालत में भी पहुंचे, जहां पर कुछ बवाल भी देखने को मिला है। और इस पूरे मामले को लेकर हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी हमारे साथ पर जुड़ गए। दीपक, क्या कुछ मामला है? सीटें बढ़ाने के लेकर कुछ छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ छात्र नशे की हालत में वहां पर पहुंचे, बवाल हो गया, क्या कुछ पूरा मामला है? बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से एमबीपीजी कॉलेज में कुछ छात्र अपनी सीटों की मांगों को लेकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी बीच जिससे लगातार अपने प्रदर्शन की बात कर रहे थे, तो वहीं कुछ छात्र जो नशे की हालत में थे, उन्होंने पत्रकारों और पुलिस वालों से अभद्रता करते हुए नजर आए। उसके बाद पुलिस ने उनको काबू में किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं मामला शांत हुआ। लेकिन जिस प्रकार से जो छात्र हैं लगातार अपनी बातों को रखने के लिए जिस प्रकार से कदम उठाते हैं, आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से छात्र पुलिस और पत्रकारों से यहाँ पे बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ छात्र तो कुछ अपनी सही मांगों को लेकर वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ छात्र द्वारा जो नशे की हालत में थे उनके द्वारा पूरा माहौल खराब हो गया, जिसके बाद वहाँ पे मामला बिगड़ गया जी। लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, इतना तो सही है कि छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब नशे की हालत में कुछ छात्र वहां पर पहुंचे, तो क्या ये सही है कि नशे की हालत में अपनी मांगों को मनवाने के लिए बवाल किया जाए, मीडिया कर्मियों से बदतमीजी की जाए, ये कितना सही है? इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने और कॉलेज प्रशासन ने क्या कुछ एक्शन लिया है? दीपक, इस मामले में लगातार पुलिस प्रशासन ने जो छात्र थे वो पुलिस को देख के कहीं ना कहीं भाग गए, पहले पुलिस से ही बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे थे। जब पत्रकारों ने वो कवरेज करने लगे तो फिर उसका पत्रकारों पे हावी हो गए। कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पे नजर आता है जिस प्रकार से जो कॉलेज में लगातार जो नशे की हालत में छात्र है इनको आखिरकार कॉलेज में घुसने क्यों दिया जाता है, जिस प्रकार से इनकी जो शर्मनाक हरकते हैं, इनको एक तरफ जहाँ लगातार जो विद्या का मंदिर जिसे कहा जाता है, कॉलेज में लगातार हर कोई छात्र अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए आता है, उसको कहीं ना कहीं तार तार करने का काम जो कुछ छात्र उनके द्वारा किया जाता है, जिसको लेकर जो कॉलेज विभाग था वो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसकी निंदा जताई है। पुलिस विभाग में लगातार लगातार कार्रवाई पे दे रहा जी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका बहुत शुक्रिया। नजर बना रखिएगा और पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। बड़ी खबर बता दें हल्द्वानी से, जहां पर सीटें बढ़ाने को लेकर कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन बवाल तब हुआ जब कुछ छात्र नशे की हालत में इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। हालांकि कुछ छात्रों ने मीडिया कर्मियों से भी बदतमीजी की है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने ज्ञापन लिया है छात्रों का और कार्रवाई करने की का भी आश्वासन दिया है।